बीबियो बचियो अते स्टेज ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज बड़ा साडे लई इतिहासक दिन है। परसों आपां साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पुरब मना के हटे हाँ, तो अज पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का गुरपुरब है। सब तो पहला मैं सारिआं नूं तुहानूं गुरु साहब के गुरपुरब दी लख लख वधाई देना। तुसी सारे कल दे बड़े खुश हो, जिस तरह तुसी बंगाल दे विच अपना हिस्सा पा के मोदी नूं भाजड़ पाई है, उतों हराया है, ये अपने आप विच एक वड्डी प्राप्ति है। तुहानूं याद होएगा असी बंगाल जाके बंगाल दे किसानां नूं तुहाडे नां ते तुहाडे नां दी एक चिट्ठी सारे बंगाल विच वंडी सी। उत्थे दे किसानां नूं कहा सी असी तुहाडे भरा, असी लंबे समय तो पूरी ठंड दे विच दिल्ली दे बार्डरां दे उत्ते धरने मारी बैठे हाँ, साडे विचों 300 किसान शहीदी जामा पी गए, पर मोदी सरकार हाले तक टस तो मस नहीं हुई। जिन्नी वारी गलबात हुई गलबात विच मोदी सरकार लाजवाब रही, पर राज हट कारण अपनी जिद फड़ी बैठी है। असी तुहाडे कोल आए हाँ बंगाल दे किसानां कोल, तुसी साडे भरा हो, जे चाहुंदे हो असी खुशी खुशी घरां नूं जाइए, तां मोदी नूं टिकाणे लाउण वास्ते, इहदा दिमाग टिकाणे लाउण वास्ते मोदी दी पार्टी नूं वोट ना दिओ। मैनूं याद है उत्थे एक दिन रात नूं वड्डी गिणती विच बुद्धिजीवी इकट्ठे होए, उन्हां नूं जदों असीं एड्रैस कीता, असी ये चिट्ठी दियां कापियां उन्हां नूं दित्तियां, असी एक अपील कीती सी वी साडे कोल बहुत पैसा नहीं वी असी दिल्ली दे हर किसान दे घर चिट्ठी पहुँचा सकीए, ते तुहानूं अपील है कि तुसी ये काम कर सकोगे। ते उस कट्ठ विच्चों ही जिहड़े बुद्धिजीवी बैठे सी, किसी ने कहा मैं लख कापी करांगा, किसी ने कहा मैं 2 लख कापी करांगा, और कापी नहीं करांगा अगे किसानां दे घरां च वी पहुँचावांगा। ये उत्थे लोकां ने वादा कीता सी, उहदे नाल तुहाडे नाल हमदर्दी दा इजहार होर पक्का होया सी, और अज नतीजा सामने, मोदी दी पार्टी बुरी तरह हारी है। सानू ये चंगी तरह पता सी ये की स्टैंड लेगा। बड़े शातर लोग हुंदे ने पोलीटिकल लोग, पिछली असैंबली चोण वेले इहदे कोल सिर्फ 3 सीटां सी, जदों पार्लीमेंट चोण होई उदों 18 लोकसभा दीआं सीटां जित्तियां, जिहदा मतलब तकरीबन 120-122 सीटां असैंबली दीआं इहनां ने जित्तियां। हुण उह कहिंदे ने जी असीं 3 तों वध के 76 ते आ गए, पर इह नहीं कहिंदे वी 122 तों घट के 76 ते आ गए। ढीठ पूरे ने। और मैं एक तुहानूं हुणे अगेती खुशखबरी दे दिआं, जे मोदी दा यही हाल रहना है, हाले असी यूपी विच शुरू नहीं कीता काम, यूपी विच साडा सुनेहा ही पहुँचिआ है। अज यूपी दीआं पंचायत चोणां दा दी गिणती हो रही है, ते मैनूं इतलाह मिली है वी उहदे च घट्टो घट 2/3 पंचायतां च बुरी तरह हार रही है मोदी दी पार्टी। मैं चेतावनी देना चाहुंदा मोदी नूं और उहदे चहेतियां नूं, हुण भी अकल करो, ये देश का किसान है, ये कोई तुहाडा पोलीटिकल विरोधी नहीं। जे देश दे किसान दी हुण भी नहीं सुननी तां याद रखो समा बहुता नहीं, सारे देश विच्चों फट्टी पोच के रख देंगे।
समझना चाहिए मोदी नूं, जिवें भाजपा दे एक वड्डे लीडर ने मोदी नूं सलाह दित्ती सी अज तों कोई 3 महीने पहला भी तू भुलेखे च है, तू जिन्हां लोकां नाल मत्था ला लिया उन्हां दे इतिहास नूं तू नहीं पढ़िया। इस अंदोलन का आधार पंजाब है, हरियाणा साडा भरा है, वह साढ़े नाल आया, पर पंजाब दा एक वखरा इतिहास है। पंजाब च बहुगिणती सिख किसान ने, सिखां दा एक इतिहास है। ये दुनिया मनदी है भी जिथे खड़ जाण कदे पिछे नहीं मुड़दे। तुसी पुट्ठा पंगा लै लिया उन्हां लोकां नाल जिहड़े अपनी गल कह के पिछे नहीं मुड़दे, ते जे मोदी साहब हाले तुसी वतीरा ना बदलिया तां अपने घर की तैयारी कर लो, अगले इलैक्शन विच वापस गुजरात जाओगे। और मैं तुहाडी जानकारी लई एक गल होर दसनी है, भावें ये बंगाल चो चोणां हारे ने, हाले मैनूं लगदा 1-2 दिन ये सदमे च रहणगे। दूजे पासे कोविड नां दी बीमारी ने सारे देश नूं घेरिया है, सारी दुनिया मोदी दी अई तई फेरन लगी हुई है। इको एक प्रधानमंत्री है दुनिया का जिन्हें पहला अपने देश तो दवाइयां विदेशों नूं एक्सपोर्ट कर दित्तियां, हुण हाड़े कढ़दा फिरदा भी मेरे लिए दवाइयां भेजो। पहला देश की ऑक्सीजन विदेशों नूं भेजती ते हुण ऑक्सीजन मिलती नहीं। अज भी मैं खबर सुन के आया बेंगलौर च सरकारी हस्पताल च 24 मौतां इसलिए हो गई भी ऑक्सीजन खत्म सी। हर रोज मेरठ के 5 मौतां हो गई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म सी। दिल्ली की हाई कोर्ट ने झाड़ पाई, अज सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ पाई है भी तुरंत प्रबंध करो ऑक्सीजन का। मैं एक तो तुहानू बेनती करनी है, मैनू तुहाडी बहुत चिंता है क्योंकि तुसी साढ़े सद्दे ते आए हो, इस करके साड़ी तुहाडे प्रति एक इखलाकी जिम्मेवारी बनती है भी तुहाडा ख्याल रख्या जाए। असी सारे साथियों नू जिहड़े लंगरां च ने उन्हां नू बेनती कीती है भी आपो अपने लंगर चों हर रोज़ काढ़ा पिलाओ सारे जिन्ने सज्जन इत्थे जिन्ने किसान ने। सवेरे चाह गर्म पियो, ठंडा पानी पीना, ठंडा खाना बिल्कुल बंद कर दिओ। समझ लो दा कारण की है, इहदा वायरस तुहाडे गले विच बहिंदा, आके 4 दिन गले च रहिंदा है, ते जे तुसी ध्यान ना कीता फिर एकदम तुहाडे फेफड़िआं नूं फड़ लैंदा है ते तुहाडा सह रुकदा, ऑक्सीजन मिलदी नहीं, डैथ हो जाती है। इसलिए इहदा इलाज सब तो वधिया दवाइयां तो भी वधिया इलाज यह है, जदों तुसी पानी पीते हो तो गर्म पानी पियो, चाह पीते हो ठंडी करके ना गर्म गर्म चाह पियो, काढ़ा पियो जिहड़ा असीं सारिआं नूं कहा है। तो मैं डाक्टरों की टीम नूं बेनती की परसों, कोई मेरे कोई सज्जन मैनू कहिंदे सी जी असीं पैसे देने, मैं कहा पैसे मैं लैने नहीं। तो 1,00,000 रुपया विद्यार्थियों ने गढ़दी वाले कॉलेज के विद्यार्थियों ने इकट्ठा किया तुहाडे लई। मैं उन्होंने कहा भी ये विटामिन सी दियाँ गोलियां तो विटामिन डी दियाँ गोलियां कट्ठियां खरीद के सानू भेज दिओ, असी सारे जिन्ने भी इत्थे सज्जन बैठे ने लंगर छकण तो बाद सब नू एक एक गोली विटामिन सी दी ते विटामिन डी दी बुजुर्गां नू ओ दे दिया करिए ताकि वह तंदुरुस्त रहन। इस बीमारी का सब तो वधिया इलाज यही है, आ टीके बीमारियां बाकी जिहड़े इलाज ने वह सैकेंडरी ने। जे तुसी गर्म पानी घट्टो घट 4 वार दिन विच पीओगे, घट्टो घट 4 वार दिन विच गर्म पानी पीओगे, उन्हें तुहाडे जे गले च आया भी उन्हें पेट चले जाना है। पेट विच इन्ने एसिड्स ने, कुदरत ने ऐसे तेजाबी मादा पेट विच है जिदे चो खत्म हो जाता है। तो इसलिए तुहानू सारे नू बेनती है भाई ध्यान करो, आपो अपना ख्याल रखो, अपनी खुराक खाण तो बाद पानी ठंडा ना पियो, जदों पियो गर्म पियो, ये आदत बना लो। ये बीमारी ने पता नहीं किन्नी देर खैड़ा नहीं छड़ना, इसलिए मेरी तुहानू अपील है ते सारे लंगरां वाले नू अपील है भाई तुसी जे नहीं पता काढ़े दे विच की है, एक पैकेट इत्थों खरीद लो,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। ਮੈਂ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਕਰਤਾ, 72 ਰੁਪਈਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 1960 ਰੁਪਈਏ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਝੰਝਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲਤੂ ਸਟਾਕ ਫੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਊ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਪਈ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਝੰਝਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਝੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਰੀਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟੇਬਲ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ 26-27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ,
जिन्ना अनाज इन्हां नूं चाहिए उदों घट पैदा हुंदा, इस करके सरपलस नहीं इहनूं कह सकते, मार्केटेबल सरपलस नहीं कह सकते। असीं पंजाब हरियाणे वाले की करते हैं, फसल आउंदी है पहलां अपने घर खाण जोगी अपने घर जमा रखते हैं, बाकी दी असीं बेच दिंदे हां। ते हुण इस वेले स्थिति पता की है, इन्हां पॉलिसियां दी स्थिति यह है, हाले सरकार खरीद रही है। मैनूं किसे ने दस्सिया बई पिंडां विच जिहड़े रेहड़ियां वाले जांदे ने, जिन्हां को 5-7 क्विंटल कणक है, वह 1700 रुपए खरीदन लग गए। जिदन सरकारी खरीद बंद हो गई, पंजाब च रेट 1500 रह जाना। हुण जिदन पता लग गया भी सरकार बिल्कुल ही नहीं खरीदेगी, तो याद रखियो बिहार की बिहार वाली स्थिति हो जाएगी। बिहार च APMC एक्ट 2006 विच सरकार ने खत्म कर दिता सी। उहदे खत्म होने तो बाद उहदा नतीजा यह है, बड़े बड़े व्यापारी जाते ने उतों 900 रुपये झोना खरीदते ने, इत्थे पंजाब और हरियाणे दियां मंडियां चला के किसानों के नौ ते 1888 बेचते रहे ने। ते जे सरकार ने खरीदना बंद कर दिता, जिहड़ा कहिंदे ने अगली कणक की फसल तो बिल्कुल बंद कर दिओ, जे हो गया तां तुहाडी कणक मार्केटेबल सरपलस है, इहदा गाह कोई नहीं, आबादी घट है, फसल ज़्यादा है, तुहाडी फसल का मुल 900 रुपए भी नहीं पैना, क्योंकि तुसी देश के दूजे कोने ते बैठे हो। इतों ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत पैंदी है साउथ विच जाण नूं, हरेक ने वह लेखा जोखा करना है, प्लस लोटू मुनाफा गिनना, मुनाफा नहीं लोटू मुनाफा। तो फिर उस वेले तुहाडी की दशा होएगी, जमीना आपे बिकणगियां। ये नवीं खेड है, खेड है सरकार मार्केट चो निकल जाए, रेट क्रैश कर जाण, रेट थले आ जाण, ते किसान अपना घर चलाउण लई मजबूरी वस जमीन बेचे, ते जमीन ते कारपोरेट काबज़ हो जाण। हर फैसला जिहड़ा इस वेले मोदी सरकार दा हो रहा है, वो ये निशाना सिन के हो रहा है भाई किवें जमीन खोनी है, तुहाडी जमीन ते अख है। तो तुसी जिहड़े इत्थे बैठे हो, मैं समझदा तुसी आम आदमी नहीं, तुसी अपने भाईचारे नूं बचाउण वाले, अपने देश नूं बचाउण वाले बहुत वड्डे देश भगत हो। तुहाडी वजह करके बेशुमार कानून लागू होण तों पाइपलाइन च जिहड़े पए ने मोदी सरकार दे, सरकार दी जरूरत नहीं पै रही, वह कानून बाहर नहीं लिया रही। जे तुसी जिदन अज तुहाडा जिदन फैसला हो गया ना, जिहड़ा हुण हो जाणा किसी तरह, जे तो अकल हो मोदी नूं, जे सुध बुद्धि अकाल पुरख ने बख्शती, फिर तो आ दो दिन उन्होंने सदमे दे लंघ जाण दो, फिर तो फैसला करनगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैनूं पता लग्या कल कोई झाड़ झूठ पाई है भी तुसीं किसानां नूं बिठाई बैठे, उन्हां दा फैसला क्यों नहीं करदे। चलो देखो हाले दो दिन बेचारा, जे किसी दे घर कोई इहो जिहा झटका लगता है तो फिर वो सदमा तो हुंदा ही है ना। हुण तुसीं झटका देता उस सदमे च ने, उन्होंने दो चार दिन सदमे च रह लैण दो, हो लैण दो नॉर्मल। जदों नॉर्मल होए तो मोदी तो आप भज्जा फिरू तुहाडे नाल फैसला करन लई, जे ना फिरू तो मोदी मुड़ के गुजरात जाऊ, दिल्ली दी गद्दी ते नहीं बैठू, ये पक्का। मेरी तुहानू फिर उही एक अपील है, अज मोर्चा फिर इहनू गिणती नू इदां ना नापो, तुसी वह बैठे हो जिहड़े सिर लथ योधे हो, तुसी गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कुरबानी दिती, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने कुरबानी दिती, तुसी उन्हां दे पैरोकार हो जिन्हां ने अपना सीस कुरबान करके इंसाफ लई लड़े, और उन्हां दी औलाद हो तुसी। ते अज एक गल ओह कह के गए सी, उदों उन्हां ने किसी नूं इह नहीं कहा भी साढ़े जाण तों बाद तुसी तलवारां चक के मारन तुर पिओ, इह नहीं कहा, किते इतिहास च कहानी नहीं मिलती। तो इस लई शांतमई अंदोलन करन दा तुहानूं हर वारी असीं प्रण दिंदे आ, ते तुसीं शांतमई लड़ रहे हो। अज पंजाब हरियाणा दो सूबे तो ऐसे ने जिहदे घर घर इह अंदोलन जा बड़िया, बच्चे भी जदों सवेरे उठते हैं तो अंदोलन की गल करते हैं। जदों तुसी जाओ पंजाब विच चंडीगढ़ चले जाओ, हर शहर विच चौंकां च खड़े झंडे लैके तुहाडे अंदोलन की जय जयकार करते हैं, तुहाडे भरा तुहाडे साथी सारे
इत्थे तां अंदोलन की जय जयकार हो गई। इस अंदोलन का असर सारे देश विच है। ए नहीं ये कल्ला बंगाल हारे ने, आंध्रा विच म्यूनसिपल चोणां होईआं, एक सीट झूठ बोलण नूं मोदी की पार्टी नूं मिली, एक भी नहीं मिली। आंध्रा च एक सीट भी नहीं लै सके। पंजाब च हारे, हरियाणे च हारे, हुण अज यूपी च हार रहे ने। अज गिणती हो रही है, जिहड़े टीवी देखदे ने उहनां नूं पता होएगा या साडे सोशल मीडिया ते नालों नाल आई जांदा है कि हाल होया है। ये सारा तुहाडे अंदोलन की बदौलत है। जिहड़े लोग पिंडां च बैठे ने, जिहड़ियां रैलियां कीतियां, महारैलियां कीतियां, उहनां ने लोकां विच जागरूकता लिआंदी है। उन्होंने लोगों नू इस अंदोलन विच अपना बनदा हिस्सा पाउण लई तैयार कीता है। एक अलग तरह का माहौल बन गया सारे देश विच। अज देश विच जिहड़ी भाजपा भाजपा हुंदी सी, उत्थे किसान मजदूर जिंदाबाद होण लग पए। साडा भाईचारा सारे देश विच इकट्ठा हो गया, और निरा इत्थे ही नहीं रहा, सारी दुनिया विच ईवन गोरे, विदेशी गोरे, वो तुहाडी हमायत ते नारे ला रहे ने। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। अज दुनिया इस गल लई तुहाडे अंदोलन नूं सलाम करदी है। अज तक कारपोरेट हाउसिस के खिलाफ किसी भी देश विच इस तरह का अंदोलन नहीं होया जिदा का तुसी कीता है। सारी दुनिया लई एक तुसी वड्डा कारपोरेट के अगे रुकावट बन के खड़ गए। नहीं तो बहुत सारे जिहड़े विकसित देश जिन्होंने असी कहने बड़े अमीर देश ने, जिते नूं भज भज जाने असी, उत्थे सारा कुछ कारपोरेट्स के हाथ च है। जिन्ने लोग बाकी जाते हैं उन्हां दी कंपनियां च नौकरी करते हैं, मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते ने, खुद मुख्तारी नाल जीवन जीण वाले लोग तुसी इत्थे वसदे हो, ते जदों तुहाडे ते कारपोरेट्स ने हल्ला बोलिया ते तुसी उहदे धिर बन के उहदे खिलाफ खड़े हो गए। ये दुनिया च किते नहीं होया। इस करके अज सारी दुनिया तुहाडे नाल खड़ी है। यूनाइटेड नेशनज विच तुहाडा केस डिस्कस होया, बार बार उत्थे चर्चा होंदी है। तुहाडा केस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इहदा गंभीर नोटिस लिया। तुहाडे केस की आस्ट्रेलिया की एक अखबार ने मोदी सरकार के खिलाफ वड्डा एक एडिटोरियल लिख दिता, तो मोदी सरकार पिट उठी। इन्होंने आस्ट्रेलिया के जिहड़ा अंबैसडर सी उन्हूं बुला के रोस प्रगट किया। पहला इतों साढ़े एक मंत्री ने चिट्ठी लिखी भी ये जिहड़ा तुसीं एडिटोरियल लिखिया, जिहड़ियां खबरां लिखियां इहदे विरोध च जो असीं कहने पहला साढ़ा वह भी छापो। उन्होंने कहता तुसीं झूठ कहिंदे हो, असीं झूठ अपने अखबार च नहीं छापना। उन्होंने वह नहीं छापिया। फिर इन्होंने आस्ट्रेलिया के अंबैसडर नूं बुला के घुरकी दित्ती भी तुसीं साढ़े खिलाफ करदे हो, बोलदे हो, साढ़े अंदरूनी मामलों च दखल देंदे हो। दुनिया का सब तो बड़ा टाइम मैगजीन वो इस अंदोलन की फ्रंट पेज पर फोटो ला के तुहाडी सारी दुनिया के विच तुहाडे अंदोलन की गल पहुँचाउंदा है। इंग्लैंड की पार्लीमेंट के दोने हाउस उत्थे बार बार ये डिस्कस हुंदा है और सारे तुहाडे अंदोलन के पिछे खड़े ने। न्यूजीलैंड की पार्लीमेंट तुहाडे पिछे खड़ी है, कनेडा की पार्लीमेंट तुहाडे पिछे खड़ी है, वख-वख देशों के विचों आवाज़ा आ रही हैं। ईवन काले अफरीकन लोग वह भी तुहाडे अंदोलन के नाल सहमत होकर तुहाडे हक च मुजाहरे कर रहे ने। कनेडा विच पिछले दिन ही एडे वड्डे जलूस निकले ने तुहाडे हक च, ते जिहदा मीडिया विच साढ़े तक आउण विच बहुत सारिया मुश्किलां खड़ियां हुंदियां, नहीं आउंदा। तो इस करके मैं समझदा तुसी जिहड़े इत्थे बैठे हो तुसीं बहुत वड्डे देश भगत हो, जिहड़े पिंड च ताश कुटदे ने उहनां दा पक्ष भी तुसीं लड़ रहे हो। तुहाडे ते बड़ा माण है, मैं तुहानूं सल्यूट करदा। मैं नाल ही तुहानूं इह बेनती जरूर करनी चाहांगा भी भरावो ख्याल रखियो, सेहत का ख्याल रखियो। लड़ना आपां केस जित्तिया होया, आपां ने जितना 100% ही जितना है। हाँ, कईआं नूं आदत पै जांदी है भई उह कहिंदे हुंदे ना दुध देना मींगणा पा के, इन्हां नूं मोदी नूं आदत पै गई, इह छित्तर खा के दुध दिउ, इहने छेती नहीं देना। हाले अज यूपी च भी हारू, और साडी इस स्टेज तों चेतावनी है भी जे तैनूं अकल ना आई हुण भी, फिर असीं जिहड़ी अगला अकलदान तैनूं देवांगे ना
वो तेरे को तेरी पार्टी तो बर्दाश्त नहीं होना, फिर तेन हूंजा फेरेंगे सारे देश में बाहर कढ़ांगे। तो इसलिए मेरी तुहानू सारे नू बेनती है, अपनी सेहत का ख्याल रखो, आपो अपने लंगरां विच ध्यान नाल सारे काढ़ा पियो, गर्म पानी पियो, और तुहानू छेती गोलियां जिन्होंने जे इत्थों मिलदियां लै लो छेती। असीं भी कोशिश करांगे भई तुहानू गोलियां जिहड़ियां तुहाडे विटामिन सी दियां तुहानू देईए, ताकि इहदे नाल तुहाडी इम्यूनिटी वधे। पर इम्यूनिटी साडी, मैं तां कई वारी कहा, साडे नाल दूजे वर्गां दा मुकाबला ही नहीं। असीं दुनिया दा सब तों औखा काम करदे हां, औखा काम करन वाले खेतां च काम करदे हां। विटामिन डी धुप चों सानूं मिल जांदा, बहुत मिलदा है। खेतां च काम सख्त करन दी वजह करके असीं इन्ने सोहल नहीं होए भी साडी इम्यूनिटी कमजोर होए। जाके दिल्ली दियां तंग गलियां च देख लो, साडे जिनी सफाई नहीं, साडे इत्थे सफाई बहुत है। उन्हां नूं देख लो, वह बेचारे एसी चसाउंदे ने, कि माड़ी जी बिजली चली गई रोण लग पैंदे ने, ते उन्हां दी इम्यूनिटी है नहीं, ते वह सारे धड़ा धड़ डिग रहे ने, इस बीमारी का शिकार हो रहे ने। पर वो तो लाग ना लग जाए, असी बड़ा सोच समझ के गल कहने, क्लेम करते हैं भी साढ़े नाकियां ते किते भी ये बीमारी है नहीं, ते सानू सरकार बीमारी दे बहाने डराउण दी कोशिश ना करे। और सरकार ने लॉकडाउन लाया, हरियाणे च लाया, पंजाब च लाया, दिल्ली च लाया, जो मर्जी सरकार आखे, जो मर्जी सरकार आखे, तो मैं बेनती करांगा तुसी अपना शांत रहना, किसी की हिम्मत नहीं तुहाडे वल झाकण दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, जे शांतमई बैठे लोकां ते तुहानू कोई अधिकार नहीं, तुसी कोई किसी तरह की पुलिस फोर्स या कुछ होर तुसी इन्हां ते इस्तेमाल कर सको, ताकत का इस्तेमाल कर सको, ये तुहाडे ते कुछ नहीं कर सकते। और इन्ने बंदियां नू जिन्ने असीं बैठे हाँ, इन्हां नू हटाउणा इत्थों खाला जी का घर नहीं, कोई ताकत नहीं, मोदी कोल कोई हिम्मत नहीं। आई आपां बैठे हरियाणे च हाँ, हरियाणे वाले तो उइ नहीं खंघण दिंदे, साडे आ भरा जिहड़े हरियाणे वाले ने, कोई पिंड च जाण तां सही, किसे दी हिम्मत नहीं पिंडां जाण दी। इन्हां दे मुख्यमंत्री नू तां हेठां हैलीकॉप्टर नहीं लाउण दिंदे, ते साडे कोल किहड़ा आ जू। तो इस करके मैं तुहानू अपील करांगा भई सारे जिहड़े आपो अपने नाकियां ते अपनी सेहत का ख्याल रखो, होर जिहड़े पिंडां च बैठे ने उहनां नू सारिआं नू सद्दो इत्थे, ताकि इत्थे होर रौनक वधे, उहनू पता लग जाए मोदी नू भई जिते असीं जिहड़ी कॉल दिंदे आ उहदे ते लोक फुल चढ़ाउंदे ने, ते इस कॉल ते भी लोक फुल। हुण कणकां वढ़ियां गईआं, तूड़ियां बण गईआं, ते हुण तां वापस इत्थे सब नू बुला लो। और मैं समझदा इह मोर्चा असीं थोड़े दिनां विच ही जितांगे। गुरु साहब दे प्रकाश पुरब दीआं लख लख वधाईआं, ते फिर तुहानू बेनती करांगे, अज सतगुरां दा प्रकाश दिहाड़ा है, ते इहनू भी अपने अंदर चित्त च रखो, और तुहाडी धरोहर है, ये साडी सारिआं दी धरोहर है। उन्होंने सहारे असी सारी जिहड़ी कौम है, गुरु साहब के सहारे असी वक्त कढ़दे हाँ। ये ठीक है भई जिन्हां लोकां दा इतिहास तकड़ा हुंदा है, उन्हां लोकां नू कोई हरा नहीं सकता। और मैनू यकीन है तुसी सरकार जिन्ना मर्जी जोर ला ले, तुसी इत्थे जित के जाओगे, जित तुहाडी होएगी, पक्की होएगी। इन्ना कहना कि मैं चाहुंदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।